हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 5 जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जोमेटो में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला है एक नेगेटिव मूवमेंट, 4.41% का एक नेगेटिव क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग यहाँ पे 56.35 है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की जरूर बने और दोनों के साइड में छोटी छोटी हमें विक भी जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI हमारा 37-38 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर है नेगेटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड। स्टॉक में हमें सबसे पहले डाउनसाइड 54.6 के आसपास देखने मिला और उसको भी क्रॉस करते हुए तो स्टॉक में डाउनसाइड जो वो 52.45 तक आते हुए देखने मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टॉक में कॉशियसली काम करें। स्टॉक में यहाँ पे मैं आपको बता दूं ट्रेंड भी जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में जितना हो सके शॉर्टिंग या पॉजिटिव को ग्रैप करना चाहिए इंट्राडे में, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी रिसेंटली जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है आपको बाइंग करने के लिए वो मैंने आपको जो है बता दिया है यहाँ पे रिसेंटली हमने जो वीडियो लाया था उसमें। तो जरूर आप उस वीडियो को देख ले ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह का आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का लेवल्स यहाँ पे बनता है और किस रेंज में आपको बाइंग करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस सारे के सारे मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो 56.35 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 56.05 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 56.90 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है। साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझा है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 55.05 का, उसके बाद क्या आता है 54.05 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 57.75 का, उसके बाद क्या आता है 58.45 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे एक जरूर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग का बन रहा है, मतलब चांसेस है कि स्टॉक में हमें 56.90 से लेकर 57.75 के रेंज में क्लोजिंग देखने में। लेकिन यहाँ पे कल के दिन जो है जरूर मैं देखूंगा किस तरह की यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर गैप अप ओपनिंग हो रही है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो वॉल्यूम पे मैं जरूर ध्यान दूंगा, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है कि रिवर्सल में देखने मिलेगा गैप डाउन ओपनिंग हुई तो भी
फिलहाल यहाँ पे जरूर जो हमारी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन आज के क्लोजिंग के बेसिस कल के एक पॉजिटिव साइड की है और इस रेंज में है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।